अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोशन एंड टाइम। फर्स्ट, व्हाट इज मोशन? सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन हम बोलते हैं जब भी आपकी किसी भी बॉडी की पोजीशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आए टाइम के मुताबिक, उसको कहा जाता है मोशन। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जस्ट लाइक ए कार का सी रोड पे मूव करना। पीरियाडिक मोशन या मोशन ऑफ अ पेंडुलम, या एक आपका सेकंड पिक्चर में तो दिखाया जा रहा है कि एक आपका पेंडुलम लेफ्ट राइट मूव कर रहा है टाइम के मुताबिक, ऐसे मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। नंबर थर्ड पे कहलाता है सर्कुलर मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का हमेशा सर्किल में रोटेट करना, एक पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करते रहना, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जस्ट लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो आपका अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट करता रहता है, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है और वो भी टाइम के मुताबिक, उसको हम बोलते हैं स्पीड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एक घंटे में, तो हम उसको कहेंगे स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 hour एंड अ बस कवर अ 50 किलोमीटर इन 1 hour, देन द स्पीड ऑफ कार इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ बस। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार जो है 100 किलोमीटर सफ़र तय करती है एक घंटे में, और दूसरी जगह पे एक बस जो है 50 किलोमीटर सफ़र तय करती है एक घंटे में, तो ऑब्वियसली जो कार की स्पीड है वो आपकी बस से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का टाइम एक घंटा है, पर जो कार है वो 100 किलोमीटर तय कर रही है और जो बस है वो 50 किलोमीटर तय कर रही है, इसलिए कार की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक बात लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कराची जाएं तो हमें कार में टाइम लगता है आपका 6 hours आपको लगते हैं कार पे जाने में, और कराची तक का डिस्टेंस है 600 to 700 किलोमीटर, और उसी जगह पे अगर एरोप्लेन में जाते हैं सेम ही डिस्टेंस 6, तो हम पहुंच जाते हैं जस्ट 30 मिनट्स में, 30 से 1 hour मिनट में। तो इससे हमें पता चला जो एरोप्लेन की स्पीड है वो कार से कई गुना ज़्यादा है। तो स्पीड के लिए हम देखते हैं कि जो आपकी बॉडी है वो डिस्टेंस तय कर रही है और उसको कितना टाइम लग रहा है, तो वो आपका कहलाता है स्पीड। स्पीड के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस लगा एक जगह पे पहुँचने में और उसको कितना टाइम कंज्यूम हुआ। यानी कि अगर आप यहाँ से सखर तक जा रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना है, और इसको डिवाइड करेंगे और आपको कितना टाइम लगेगा सखर जाने तक, तो ये हमारा कहलाता है फार्मूला ऑफ स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब दो तरह के मोशंस होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट है, यानी कि एक जितनी है, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है 20 की स्पीड से और वो हमेशा 20 की स्पीड से ही मूव करी जा रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका
अगर आपका बॉडी की स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रही है, यानी कि कभी 20 है तो कभी 25 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, दोबारा 30 हो गई, यानी कि उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ स्मॉल मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टैंड बाय अ थ्रेड। सिंपल पेंडुलम एक मेटेलिक बॉब, छोटा सा बॉब होता है जो एक धागे के साथ हमने लटकाया होता है, जैसे कि आपको पिक्चर वन में नज़र आ रहा है। इफ़ द बॉब इज़ टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, जब एक इसी बॉब को ए पॉइंट पे ला के हम छोड़ेंगे, इट मूव टू एंड फ्रो मोशन, तो ये आपका बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा। यानी कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो बॉडी ए से बी पे जाता है, फिर दोबारा ए पे आ रहा है, फिर ए से बी पे जा रहा है, तो इस तरह ये बॉडी मूव होती रहती है। ऐसे मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, तो इसको हम पीरियाडिक मोशन भी कह सकते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। अब इसी सिंपल पेंडुलम में आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है जब आपका ये बॉब, यानी ये जो बॉल है, पोजीशन ओ से स्टार्ट हो के ए पे जाए और ए से दोबारा बी पे जाए और वापस ओ पे आ जाए, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं कि उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। या फिर आपका जो बॉब है वो ए पोजीशन से, यानी कि हम उस बॉब को पकड़ के ला के ए पोजीशन पे रखें, अब जैसे ही हम उसको रिलीज़ करेंगे वो ए से बी पे जाएगा और बी से जब वो वापस ए पे आएगा तो ये कहलाएगा वन ऑसिलेशन। यानी कि ए पॉइंट से स्टार्ट होके जब वो दोबारा ए पॉइंट पे आ जाएगा तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। दोबारा से वो स्टार्ट करे, ए से दोबारा बी पे जाके दोबारा ए पे आएगा, तो इस तरह टू ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारा कहलाता है ऑसिलेशन। और दूसरा कहलाता है टाइम पीरियड। जब भी एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा वही हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। यानी कि जब हमने इस बॉडी को ए से स्टार्ट किया, वो ए से गुजरते हुए बी पे गया और वापस जब वो ए पे आया, तो उसको कितना टाइम लगेगा वही हमारा कहलाएगा टाइम पीरियड। तो ये था आज आपका टॉपिक। तो होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस कॉपी पे लिखने हैं कि व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम और ऑसिलेशन, और तो ए पोजीशन से, यानी कि हम उस बॉब को पकड़ के ला के ए पोजीशन पे रखें।